এখন এসব কোশ্চেনের উত্তর আপনাদের আমি এসকিউ পরে বলবো, আজকে বলার টাইম নয়। এখন মানুষ পশ্চিম মিদনাপুরের টিম আছে, বালেশ্বর জলেশ্বর মিদনাপুরের বর্ডারে, আর তাছাড়াও যারা খুব সিরিয়াস ইঞ্জিওর আমাদের ওদেরও 1 লাখ টাকা করে আমরা দেবো, আর যাদের হয়তো অল্প লেগেছে তাদের 50,000 টাকা করে দেবো। আর যদি সিরিয়াস পেশেন্ট এখানে জায়গা না পায় বা অন্যান্য পেশেন্ট, আমি তাদের কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ট্রিটমেন্ট করার ব্যবস্থা করবো, কারণ আমাদের উই হ্যাভ সো মেনি ফেসিলিটিস। সুতরাং ওরা যদি পাঠায় রেলে করে আমি খুশি হব। ট্রেনের টাইম যদি ক্লাস করে তাহলে আমরা যেতে পারবো না, ঠান্ডা স্টপে সবাইকে দেখতে পাচ্ছি। তিনি কি বলছেন শুনবো। देखिए बंगाल से बहुत ज्यादा है और केरला से भी होगा, लगे लगा बंगालोर से भी हो सकता है, उड़ीसा भी हो सकता है। इंडियन एक्सप्रेस इज बेस्ट एक्सप्रेस। मेरे को जो जानकारी है, मैं रेल मिनिस्टर में 3 दफे काम किया, मैं जो देखा अभी तक रेलवे में एक 20 शताब्दी का सबसे बड़ा इंसिडेंट है। 1981 में और एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था, हमारे टाइम में भी माओइस्ट एक इंसिडेंट बनाया था, वो हम सीआईडी को दे दिया, आज तक कुछ फल नहीं मिला। बात यही है कि रेलवे का सेफ्टी कमीशन है, जब रेलवे का ऐसा इंसिडेंट है होता है तब रेलवे सेफ्टी कमीशन को दे जाता है, वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट देते हैं। मैंने जब मिनिस्टर था मैंने एंटी कोल्यूशन डिवाइस तैयार किया था, मैं खुद हम मडगांव में गया था गोवा में, तब से रेल का इंसिडेंट कम गया था, एक्सीडेंट एकदम वो ऐसा है एंटी कोल्यूशन डिवाइस कि दो एक लाइन में 2 ट्रेन आ जाएगा तो उसमें रुक जाएगा, अगर कोई ट्रेन सामने पड़ा है तो रुक जाएगा, अगर कोई कुछ भी हो सकता है एंटी कोल्यूशन डिवाइस डाइवर्स हो जाएगा तो उसको अलर्ट करेगा। लेकिन मैं जब रेल मिनिस्टर इधर में है तो मैं यही कहने चाहूंगा, आप देख लीजिए इसमें एंटी कोल्यूशन डिवाइस नहीं लगाया, जितना तक मेरे का जानकारी है, अगर एंटी कोल्यूशन डिवाइस लगाता था तो ये इंसिडेंट नहीं होता। अगर जो हो गया है, गीत का प्राण चला गया है, उसको तो जिंदगी तो नहीं मिलेगा। लेकिन अभी हमारा काम है रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्टोरेशन ऑफ द नॉर्मलसी, जो परिवार मर गया हर परिवार को, मेरे का टाइम में भी मैंने हर को नौकरी दिया था। रेलवे का एक सिस्टम है, वो इंसिडेंट होने से वो लोग 15 लाख रुपया करके देता है, कितना 10 देता है। हर स्टेट का जो अभी मर गया हर स्टेट तो उसको मदद करेगा, फिर हमारा स्टेट से ज्यादा है, हम भी वो परिवार को हमारा स्टेट का जो है 5 लाख करके हम देंगे। और रेल के साथ गवर्नमेंट का साथ, उड़ीसा गवर्नमेंट का साथ कोऑपरेशन करके सर रेलवे का साथ हम पूरा काम करेंगे, जब तक काम खत्म नहीं होगा। हमने भी 70 एम्बुलेंस आज भेजा, कल भी 40 भेजा था, हमारा 40 डॉक्टर इधर में पहुंच चुका है, काम कर रहा है, हमारा सिस्टर भी काम कर रहा है। और हम 2 बस भेजा था, उसमें जो थोड़ा सा इंजियर्ड है वो बंगाल में वापस चला गया,
और हम रेल को भी कहने चाहूंगे कि अगर दो कैसे जाएगा, अभी तो इसमें रास्ता क्लियर नहीं होने से नहीं होगा। ऑलरेडी बालेश्वर से कोलकाता और इधर सोरो से भुवनेश्वर की तरफ लगातार शटल चल रही है। जो भी पेशेंट या जो भी पेशेंट्स के पैसेंजर्स के रिलेटिव्स आना चाहे या इधर से जाना चाहे, उनके लिए पूरी सुविधा कर दी है। सुबह से शटल चल रही है। अच्छा, शटल चल रहा है, फिर हम भी बांस भेज रहे हैं। किसी का कोई स्टेट गवर्नमेंट ने भी बसें, स्टेट गवर्नमेंट को भी बांस भेजा है, बसें प्रोवाइड की, बांस ने सब प्रोवाइड किया है, हम भी बांस प्रोवाइड किया है। अगर कोई भी दिक्कत है कोई परिवार को और कोई भी दिक्कत है कोई रिलेटिव्स को, हमारा इधर में हमारा भी मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से हम ऑफिसर को 50 ऑफिसर को एक टीम इधर में टीम भेजा है, जो ओडिशा लैंग्वेज भी कह सकता है तो वो लोग भी उसको देख सकता है। हम चाहते हैं आप लोग कोऑपरेशन बहुत किया है और कोऑपरेशन करें, और जो मर गया है हमको तो कहने का कोई बात नहीं है, इसमें जरूर कुछ है। ये अच्छा से इंक्वायरी करके इतना लोगों को जिंदगी जैसे चला गया, मैंने तो सुना कि इसमें 500 भी हो सकता है, 3 डिब्बा अभी तक नहीं रेस्क्यू हुआ है, सारा कंप्लीट हो गया। आप कंप्लीट होने के बाद कितना हुआ? 238 कॉल था उसका बाद, आज का जो ऑफिशियल ऑफिशियल आप कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट का जो डेटा है वो 238। हाँ, 238 हमारा कॉल से है, कॉल किससे? हमारा पास 238 है, लेकिन मेरे को जानकारी में ये भी है 3 डिब्बा में अभी तक हम पहुंच नहीं सका। वो जो है अब आप कर लीजिए। देखिए तो जो बात बाकी है वो हम लोग मिलके कर लेंगे, इसमें तो कोई बात नहीं है। तो हम लोग भी दुखी है, वी आर शॉक फॉर दिस इंसिडेंट। रेलवे को अभी स्पेशली ट्रीट करना है, रेलवे को स्पेशली ट्रीट नहीं करने से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन गैप हो गया है। रेलवे में 8 कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस था, अभी रेलवे को बजट भी नहीं होता है, रेलवे में कोऑर्डिनेशन का गैप हो गया। मेरे को लगता है कि हम रेल में 3 साल काम किया है, रेल हमारा बच्चा का मुताबिक है। आई एम ऑल्सो द मेंबर ऑफ द रेलवे फैमिली, इसी के लिए रेलवे का अगर मिनिस्टर कभी हमारा पास कोई सजेशन मांगे तो हम जरूर देने के लिए तैयार है। हम थोड़ा हॉस्पिटल में जाएंगे, इसके बाद पीएम भी आएंगे मैं सुना है, तो इसी के लिए हम लोगों को टाइम का भी बात है। मैं नवीन जी को भी हमारा धन्यवाद देते हैं और हमारा वी आर ऑल्सो वर्किंग फुल नाइट। रिपब्लिक बांग्ला থেকে আপনি কি বাংলা থেকে এসেছেন? কতজন এখনো পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে বাংলা থেকে? এখনো পর্যন্ত আমরা লিস্ট পুরো পাইনি, আমরা আইডেন্টিফাইড যে বডি হয়েছে তাতে আমরা 12 জনের একটা ফার্স্ট লিস্ট পেয়েছি, বাট এখনো বডি আইডেন্টিফাই হয়নি। কিন্তু বাংলা থেকে আমাদের কাছে যেটা ইনফরমেশন, আমাদের প্রচুর লোক আছে, 60% বাংলার হবে। বাংলার মানুষরা তো বলছেন আটকে রয়েছেন, রাজ্য এবং কেন্দ্রের মধ্যে কি মৃত্যু সংখ্যা নিয়ে কোনো কনফিউশন হচ্ছে? আপনি একটু আগে বলছিলেন। আমি মনে করি কোনো মৃত্যু নিয়ে কনফিউশন হওয়া উচিত নয়, তার কারণ হচ্ছে এই ইনসিডেন্টের ন্যাচারাল ক্যালামিটিস এর মতো ন্যাচারাল ডিজাস্টারের সময় আমরা রাজনীতি করি না, ডিজাস্টারের সময় আমরা মানুষের পাশে থাকি এবং মানুষের পাশে থেকে মানুষকে সাহায্য করি। আমি সাহায্য করতে এসেছি। আহতদের পরিবারের জন্য কি বলবেন? বাংলার মানুষ দেখুন, এসব কোশ্চেনের উত্তর আপনাদের আমি রেস্কিউর পরে বলবো, আজকে বলার টাইম নয়, এখন মানুষকে রেস্কিউ করুক। দিদি, বাংলার জন্য কি বলবেন? বাংলার মানুষদের কি বার্তা? বাংলার মানুষদের আমি বলবো, যেসব পরিবার মারা গেছেন, যেসব পরিবার রাস্তায় আছেন, যেসব পরিবার ইনজিওর হয়ে গেছেন, তাদের সকলকে আমরা অলরেডি আমাদের নাম্বার দিয়েছি, আমাদের 24 ঘন্টা মনিটরিং চলছে তার, এবং এখানে আমাদের 50 জন অফিসের টিম আছে এবং হেলথের টিম আছে, ডাক্তার আছে, তাদের বললেই হবে। তাছাড়া পশ্চিম মিদনাপুরের টিম আছে, বালেশ্বর জলেশ্বর মিদনাপুরের বর্ডারে, আর তাছাড়াও যারা খুব সিরিয়াস ইনজিওর আমাদের, ওদেরও 1,00,000 টাকা করে আমরা দেবো, আর যাদের হয়তো অল্প লেগেছে তাদের 50,000 টাকা করে দেবো। আর যদি সিরিয়াস পেশেন্ট এখানে জায়গা না পায় বা অন্যান্য পেশেন্ট, আমি তাদের কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ট্রিটমেন্ট করার ব্যবস্থা করবো, কারণ আমাদের উই হ্যাভ সো মেনি ফেসিলিটিস, সুতরাং ওরা যদি পাঠায় ডেলে করে আমি খুশি হব। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন? আমি ফিরে যাবো, তার কারণ হচ্ছে প্রাইম মিনিস্টারের প্লেনের টাইম যদি ক্ল্যাশ করে তাহলে আমরা যেতে পারবো না, থান্ডার স্টর্মে
অজিত মাইতি শ্রীকান্ত মাহাতো আমি কাল রাত্রে দোলাশেন মানব দিয়ে সবাইকে পাঠিয়েছিলাম, এরা এখনো আছে। আমি তো অজিত মাইতি শ্রীকান্ত মাহাতো থেকে শুরু করে বিজেপির এমএলএ থেকে শুরু করে আমি প্রশাসন থেকে শুরু করে উড়িষ্যা প্রশাসন থেকে শুরু করে সবাইকেই দেখতে পাচ্ছি। দিদি একটা প্রশ্ন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন? এখনো কথা বলছি, আমার যদি সাক্ষাৎ হয় তখন কথা বলবো, কিন্তু মুখোমুখি না হলে কি করে বলবো? এখানে তো আছে রেল মিনিস্টার আছে, ধর্মেন্দ্র আছে, এরা আমার সকলেই পূর্ব পরিচিত। আমি নবীনজিকে ফোনে কথা বলে নেব, ঠিক আছে? ধন্যবাদ।